हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रागनी किचन। आज मैं आपको एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजीली बन सकती है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में और इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ ओट्स एंड फ्रूट्स ब्रेकफास्ट रेसिपी। ओवरनाइट ओट्स एंड फ्रूट ब्रेकफास्ट रेसिपी को बनाने के लिए हमें मिल्क में ओट्स को रात में सोक करने रख देना है। मैं 100 ml ऑफ मिल्क ली हूँ, 3 tablespoons ऑफ ओट्स ली हूँ, उसको मैं रात में रखती हूँ फ्रीज में। सोक करने के बाद ये इस टाइप का दिखेगा मॉर्निंग में। अब इसको गार्निश करना है फ्रूट से, तो मैं बनाना को पीसेस में कट कर दी हूँ और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ। एक लेयर बना देना है बनाना के पीसेस का। आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स भी यूज कर सकते हो जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। आप अकॉर्डिंग टू सीजन भी चेंज कर सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं आप वो इसमें डाल सकते हो। बनाना डालने के बाद मैं इसमें अब पियर डालूंगी। पियर को मैंने चॉप कर दिया। आप कीवी भी डाल सकते हो, जो भी फ्रूट अवेलेबल है आपके पास आप वो इसमें डाल सकते हो। बहुत ही फिलिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। पियर डालने के बाद मैं इसमें अब एप्पल डाल रही हूँ, एप्पल के पीसेस डाल रही हूँ। एप्पल को मैंने चॉप कर दिया। एप्पल डालने के बाद मैं इसमें बेसिल सीड डाल रही हूँ। बेसिल सीड को मैं सोक की हूँ 10 मिनट के लिए पानी में। हाफ कप ऑफ वाटर में मैंने 1 चम्मच बेसिल सीड डाला है। बेसिल सीड बहुत ही हेल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, बॉडी को बहुत ही कूल करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैंने बताया था कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो आप देख रहे हो इसमें बहुत ही हेल्दी हेल्दी चीज़ मैं डाल रही हूँ। बेसिल सीड का एक लेयर मैंने डाल दिया है इस पर। दूसरे बॉल में मैं चिया सीड डालूँगी। चिया सीड को भी मैंने सोक किया है, बट बेसिल सीड 10 मिनट 5 मिनट में सोक हो जाता है, चिया सीड को थोड़ा टाइम लगता है। तो चिया सीड को मैंने 1/2 hour सोक किया। सेम हाफ कप ऑफ वाटर में मैंने 1 spoon चिया सीड डाला। चिया सीड भी बहुत ही हेल्दी है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, हाई इन फाइबर, ओमेगा 3, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और बहुत ही हेल्पफुल है वेट लॉस में। तो आप लोग भी डेली लाइफ में चिया सीड बेसिल सीड को ऐड करें, बहुत ही हेल्दी होता है ये दोनों सीड। अब मैं इसमें चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप डालोगे तो ये बहुत ही यमी लगेगा। चॉकलेट सिरप डालने के बाद कॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ जस्ट फॉर क्रंचीनेस। कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत ही हेल्दी होता है, हाई इन प्रोटीन एंड आयरन होता है इसमें, वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं सारे हेल्दी चीज़ ही, मैक्सिमम हेल्दी चीज़ को ही मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसमें पोमेग्रेनेट डाल रही हूँ, अनार डाल रही हूँ। आप अगर इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को बनाओगे तो आपको 1.5-2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। बहुत ही फिलिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये।
और बहुत ही हेल्दी भी है। अब मैं इसमें आलमंड्स, वॉलनट, किशमिश, काजू, पिस्ताचो सबको मैंने चॉप कर दिया है और उसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ। नट्स डालने के बाद वापस से मैं चॉकलेट सिरप डालूंगी। स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी, बिकॉज इसमें चॉकलेट सिरप है, फ्रूट्स है, ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, नट्स है एंड मैं लास्ट में गार्निश करूंगी चॉकलेट से, तो बच्चों को ये अट्रैक्टिव भी लगेगी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आप लोग इस रेसिपी को प्लीज़ बनाएं एंड बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ब्रेकफास्ट रेसिपी कैसा लगा। बहुत ही इजी है, आपने देखा अभी इसको बनाना, बहुत ही फिलिंग भी है, हेल्दी भी है। तो इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। Thank you for watching.